जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, किन किन कारणों से शॉर्ट सर्किट होता है, तो आइए समझते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में जो भी सर्किट यूज होती है उसमें शॉर्ट सर्किट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो शॉर्ट सर्किट से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो अगर आपको पता चल जाए कि शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, उसके क्या क्या कारण है, तो आप काफ़ी हद तक उस चीज़ को कवर कर लेंगे, उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो आइए समझते हैं उसके जो पॉइंट्स हैं। देखिए, इसमें पहला है, तारों का इंसुलेशन खराब हो गया है, अगर आप उस तार का यदि उपयोग करते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मतलब जो भी तार आप उपयोग कर रहे हैं, अगर उसका इंसुलेशन जो है, मतलब जो पीवीसी है, अगर वो डैमेज हो गई है, तो उस वजह से क्या होगा कि फेस और न्यूट्रल शॉर्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो पहला तो कारण ये हो गया कि यदि तारों का इंसुलेशन ख़राब हो गया है तो इस चीज़ को आपको देखना है। दूसरा है, ओवरलोड अगर हो रहा है, मतलब किसी सॉकेट में या किसी भी तार पर लोड जो है वो बढ़ाते आप जा रहे हैं और उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उस कंडीशन पर भी वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि तारों में जो है हीट ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, करंट अधिक फ्लो होने लगेगा, उससे उसका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा और फेस और न्यूट्रल जो है दोनों शॉर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ समझ लीजिए कि जो शॉर्ट सर्किट होता है वो दो तीन कारणों से होता है, कि मतलब फेस और न्यूट्रल जो है टच हो जाए, या फेस और फेस टच हो जाए, या फेस और अर्थ टच हो जाए। इतनी चीज़ें यदि होती हैं तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है। तो अगर आपने क्या किया कि ओवरलोड कंडीशन यदि उत्पन्न कर दिए किसी सॉकेट पर, तो क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा, उससे भी आपका फेस और न्यूट्रल जो है शॉर्ट हो सकता है और शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है, ओवरलोड से भी आपको अपने सिस्टम को बचाना है। इसके बाद जो ढीला कनेक्शन है वो भी आपको देना है। मतलब देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने जो पूरा जो इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम एक बार हमने कनेक्शन कर दिया, फिर हमको फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको देखते नहीं हैं, उसका हम प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन पे होता क्या है कि जब लंबे समय में क्या होता है कि जब उपकरण चलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हीट की वजह से उनमें फैलाव होता है, फिर संकुचन होता है, फिर फैलाव होता है, फिर संकुचन होता है, उससे क्या होता है कॉन्टैक्ट के बीच में लूज कनेक्शन हो जाता है, मतलब ढीलापन आ जाता है। अब अगर आपने फिर उसको कुछ दिन के बाद, दो चार छः महीने के बाद टाइट नहीं किया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो आपके उपकरण हैं उनके बीच में गैप आ जाने की वजह से उनका जो इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, और जिसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से देखिए, हीट हो गया है, देखिए ना, हीट हो गया है, ये लूज कनेक्शन की वजह से ही हीट हुआ है। अब ये हीट हुआ है तो मान लीजिए अब धीरे धीरे क्या होगा, इस हीट की वजह से ये दूसरे वाले तार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी हीट की वजह से ये भी प्रभावित होगा, और ये मान लीजिए दूसरा फेस है या न्यूट्रल है, तो दोनों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से भी शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब इसमें जो चिंगारी जो पैदा होती है जिसके कारण से भी शॉर्ट सर्किट होता है। इसके अलावा इसमें क्या है कि खराब क्वालिटी के उपकरण का यदि आप उपयोग करते हैं तो भी आपका शॉर्ट सर्किट होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने स्विच है आपका, यदि आपने लोकल क्वालिटी का स्विच लिया है, या कोई भी आपने एमसीबी है वो भी लोकल क्वालिटी के लिए है। अब मान लीजिए आपने एमसीबी है, मान लीजिए दो पोल की एमसीबी ली है लोकल क्वालिटी के लिए, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ भी दिक्कत आने पर, मान लीजिए कि उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो फेल कर गया, किसी प्रकार से जो अंदर का जो पूरा मैकेनिज्म है, पूरा सिस्टम है, उसमें फेस और न्यूट्रल टच कर गए, तो उस वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो आप क्या करें कि जो स्विच वगैरह हैं या इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी का खरीदें, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लगभग लगभग ख़त्म हो जाती है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा अर्थिंग का ना होना भी शॉर्ट सर्किट का कारण बनता है। देखिए, अर्थिंग जो होती है वो सेफ्टी के लिए उपयोग की जाती है, उससे मनुष्य की भी सेफ्टी तो होती ही होती है, उपकरण की भी सेफ्टी होती है। अब मान लीजिए कि आपका पूरा सिस्टम है, उसमें आपने आरसीबीओ आपने लगा रखा है, तो ये जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर तरीके से अर्थिंग के साथ ही काम करती हैं। अब आपका अर्थिंग तो है नहीं, अब मान लीजिए कि किसी कारण से कोई दिक्कत आई, शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आई, अब वहाँ पर ये जो इनको जब अर्थिंग प्रॉपर तरीके से, मतलब सारी चीज़ें इनको नहीं मिली हुई हैं, तो ये जब ज़रूरत होगी उस वक्त हो सकता है ये ट्रिप ना करें, तो जब ट्रिप नहीं करेंगे तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए भी आपको अर्थिंग करवाना चाहिए, अपने घर में अर्थिंग का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट सर्किट की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। मेंटेनेंस की कमी, देखिए क्या होता है कि जो आपके घर के उपकरण है या इंडस्ट्री में भी, टाइम टू टाइम आपको मेंटेनेंस करते रहना चाहिए। अब मेंटेनेंस क्या होता है कि देखिए,
नॉर्मली क्या होता है, आपको जैसे मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक पूरी टीम होती है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो टीम बना देती हैं। अब उसमें वो क्या करते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं मेंटेनेंस को, ठीक है, और वो घूमते रहते हैं इस प्रकार से, किनारे किनारे वो घूमते रहते हैं और घूम घूम करके वो जो भी पैनल है, वो जो भी कॉन्ट्रेक्टर है, उन सब का वो मेंटेनेंस करके यहाँ पर पहुँचते हैं। फिर उनका यही काम ही होता है कि वो घूम घूम करके पूरी फैक्ट्री के सारे सिस्टम को वो चेक करते रहें, लूज कनेक्शन वगैरह चेक करते रहें, मतलब कॉन्ट्रेक्टर की जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी क्वालिटी चेक करते रहें, मतलब जो भी दिक्कतें ट्रबल शूटिंग के दौरान आने वाली हैं, जो भी दिक्कतें लंबे समय में आने वाली हैं, आगे आने वाली हैं, तो उन चीज़ों को इसके माध्यम से अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को आप चेक करते रहेंगे तो क्या होगा, शेड्यूल मेंटेनेंस आपका सिस्टम से बनता रहेगा, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकेंगे कि मेंटेनेंस की कमी से भी जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, और यदि आप टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं तो आपका शॉर्ट सर्किट लगभग नहीं होगा। इसके अलावा जो है पानी की वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है। मान लीजिए कहीं पर आपका कोई भी एमसीबी है या कोई भी कनेक्टर पड़ा हुआ है, उसमें सप्लाई पास हो रही है, किसी ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, फेस न्यूट्रल शॉर्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कहीं पर भी काम मिले तो वहाँ पर पानी ना पहुँचे, आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दें, तो जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। इसके अलावा जो चूहा, छिपकली या गिलहरी होती है, इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जैसे इस प्रकार से देखिए, दोनों के बीच में देखिए, जो आपकी छिपकली है वो बीच में आ गई है और शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो इस चीज़ से भी आप बचें। क्योंकि चूहे जो होते हैं, गिलहरी होती है, ये क्या होते हैं, तार को कुतरते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर तरीके से जो उसका जो इंसुलेशन था वो तो कट गया, अब फेस और न्यूट्रल कहीं पर भी टच हुए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। या दो फेस और न्यूट्रल के बीच में, या फेस टू फेस के बीच में गिलहरी आ गई, चूहा आ गया या छिपकली आ गई, तो उनके शरीर में तो मतलब जान है, तो उसकी वजह से दोनों क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। नॉर्मली वो तो मर जाते हैं तुरंत, लेकिन शॉर्ट सर्किट तो हो ही जाती है ना, तो इस चीज़ को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं। ये अगर मतलब क्या करिए कि जो भी पैनल आपका हो, वो चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से सील कर दें, ताकि ये चीज़ें उनके अंदर ना जा पाएँ, तो उससे भी आप शॉर्ट सर्किट को रोक सकते हैं। इसके अलावा पुराने तथा क्षतिग्रस्त जो उपकरण हैं उनको आप चेंज कर दें। अगर आप जो पुराने समय से चला हुआ काफ़ी पुराना जो आपका पैनल है या कोई भी उपकरण है, अगर वो लंबे समय से तक मतलब 10 साल 20 साल पुराना है, तो उसको आप चेंज कर दें, तो क्या होगा, क्योंकि समय के साथ जो उसका इंसुलेशन है वो ख़राब हो जाता है। और यदि आप उसी कुछ यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि उन उपकरणों के जो इंसुलेशन ख़राब होने की वजह से भी शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है ओवर वोल्टेज की भी समस्या की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। मान लीजिए कोई भी आपका वायर है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है जितनी है, मान लीजिए 220 वोल्ट है, आप उसमें ज़्यादा वोल्टेज आ गई किसी कारण से, तो उससे भी उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट वहाँ पर हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं कि जो बिजली की जो आपूर्ति है उसमें अचानक से वृद्धि हो जाए, तो उससे भी उसका इंसुलेशन जो है, तारों का इंसुलेशन, उपकरण का जो इंसुलेशन है, वो डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इसके अलावा कम करंट रेटिंग की जो केबल है, यदि आप उसका भी उपयोग करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी मोटर है, मान लीजिए वो 10 एचपी की मोटर है, ठीक है, और मान लीजिए वो 15 एम्पियर का करंट ले रही है, ठीक है, 10 एचपी की मोटर है, अब इसमें जो केबल आपने उपयोग की है उसकी कैपेसिटी 10 एम्पियर की ही है, ठीक है, अब क्या होगा, 15 एम्पियर का मोटर करंट लेगी तो क्या हुआ कि जो केबल हो गई वो अंडरसाइज की हो गई, इसकी वजह से भी इसमें हीट होगा, अब हीट होगा तो इसका इंसुलेशन डैमेज होगा, और बगल में दूसरा फेस चल रहा है तो क्या होगा, इस फेस की वजह से, इस फेस में भी जो उसका इंसुलेशन है वो डैमेज होने की वजह से दोनों फेस जो है टच हो जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि जो 15 एम्पियर है ना, तो 20 एम्पियर कैपेसिटी का आप केबल का उपयोग करें, उससे क्या होगा कि उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से आपका काम चलता रहेगा। तो कम रेटिंग का जो केबल है उसका उपयोग ना करें, प्रॉपर तरीके से केबल का उपयोग करें। इसके अलावा जो मानवीय त्रुटि है उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कहीं पर जहाँ पर कनेक्शन किया गया वहाँ पर कोई तार लटकता हुआ छोड़ दिया गया, उस समय तो ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में हवा चलने की वजह से दोनों तार टच कर गए, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। या मान लीजिए कोई एक तार का छोटा सा, एक तार पतला सा निकला हुआ है और वो किसी कारण से उस समय तो आपने ध्यान नहीं दिया, बाद में वो कोई चीज़ ढक्कन उक्कन बंद करने की वजह से भी वो दूसरे वाला न्यूट्रल या फेस से टच कर गया, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो
मानवीय त्रुटि के कारण भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो यदि आप जब भी आप कनेक्शन करें या कहीं पर ढक्कन बंद करें तो उसको प्रॉपर तरीके से देख करके पूरी एहतियात के साथ उसको आप बंद करें, जिससे कि जो शॉर्ट सर्किट है उसकी समस्या दूर हो जाए। क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है और पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, पूरी सर्किट जो है आपकी, वो जल जाती है। तो इस मतलब उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस चीज़ को बचा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों की जानकारी है। मतलब जो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर इन सभी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से सावधानी पूर्वक के लिए आप इनका पालन करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होने की जो संभावना है वो खत्म हो जाएगी। और इन्हीं सब कारणों से लगभग लगभग शॉर्ट सर्किट होता है। यदि आपको कुछ और कारण पता है तो उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके मन में कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, तो कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।